एग्जाम दे रहे हैं अभी ऑनलाइन एग्जाम, तो उसमें भी जब नेट करा हो तो उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो लेके आप क्या ओपिनियन देना चाहते हैं? थैंक यू आलो न्यूज़, ये एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। ये जो है आलो में तीन सर्विस प्रोवाइडर है, पहला BSNL, उसके बाद वोडाफोन और एयरटेल। ये बहुत सालों से सर्विस दे रहा है लेकिन बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो है आम लोग जो कंज्यूमर्स है वो अपना डाटा को जैसे कि टॉप अप बोलो बोलिए ये भरा लेता है, उसके बाद ये वैलिडिटी तक टिकता नहीं, ये ऐसे पैसा चला जाता है। ये ऐसे लगता है कि एक चीटिंग जैसा है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको भी ठीक से एड्रेस नहीं कर रहा है। बोलने से बोलता है कि हाईवे नेटवर्क ये हाईवे कटिंग के लिए हो रहा है, ऐसे बोल के शायद एक्चुअल पैक को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है। ये आज कोविड का समय पे हर बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, नहीं कर पा रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है अच्छा सर्विस देना चाहिए, और जब हमसे इतना पैसा लेता है सबसे तो उन लोग लगा रहना चाहिए कि सर्विस के लिए। ऐसा नहीं, बहुत नेग्लिजेंस है हमारे एरिया को। और बस्ती बस्ती में भी जैसे कि हम देखा है कि हमारा 2G बस्ती में भी दो टावर है, वोडाफोन और एयरटेल। 3G दिखा रहा है, आता ही नहीं है, और जब लाइट चला जाता है जनरेटर का प्रोविजन है लेकिन कुछ नहीं। ये तो सर्विस प्रोवाइडर यहाँ ऐसे नहीं है। तो एज पर कंज्यूमर एक्ट के तहत ये गलत है, अच्छा सर्विस देना चाहिए, और इसको हम आम पब्लिक इसका अगेंस्ट में कुछ करना पड़ेगा, करना चाहिए, मैं जो सोच रहा हूँ। तो सर आप लोग का IHRO का तरफ से कुछ मूवमेंट ये नेतृत्व कर ले, कुछ आप लोग क्या हम इसको जांच पड़ताल करेंगे, और हमारा जो अथॉरिटी है जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी है और मीडिया सेल का भी इंचार्ज है, इन लोग को हम मीटिंग करेंगे। उसके बाद क्या करना है, कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए ये करना चाहता है, क्योंकि आजकल का ज़माना में जो है विदाउट इंटरनेट सर्विस कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सर्विस अच्छा होना ही पड़ेगा। सारे दिन आदमी बैठा रहता है कि ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों के लिए, लेकिन कभी कभी नहीं मिल पाता है। एयरटेल कभी अच्छा दिखाता है लेकिन अभी ठीक नहीं, इसके कारण हम भी दूसरा सर्विस प्रोवाइडर जैसे विस्टेक सर्विस बाहर से लेना पड़ता है। इंटरनेट सर्विस बिल्कुल ठीक नहीं, इसको सही करना पड़ेगा। ये हम इसके अगेंस्ट में हम कुछ ना कुछ मूवमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो सर ये जो वोडाफोन कंपनी और ये BSNL और एयरटेल, आप वही कंपनी लोग आपका तरफ से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये अपील करना चाहता है कि पब्लिक का प्रॉब्लम को एड्रेस करें और इसको रेक्टिफाई करें, और ये ऐसे सर्विस दे जो पैसा बर्बाद ना जाए, जो खरीद रहा है आपसे उसको सर्विस प्रोवाइडर लोग देखना चाहिए, बहुत ही जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक का समय है, अभी नेटवर्क का बहुत ही हम सख्त जरूरी है, इसके लिए आप इसको रेक्टिफिकेशन कीजिए।